Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इंसाफ आज पीपल्स पार्टी के घर सिंध में जलसा करेगी। कप्तान सेवन में हरीफों को ललकारेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी पीटीआई की पिच पर मोर्चा लगा लिया। पेशावर में आज सपहर जलसा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों का लहू गरमाएंगे। फूलों के शहर पेशावर में एएनपी का भी जलसा आज ही होगा। हसन यार वली खिताब करेंगे। कराची के इलाके बल्दिया रईस कोर्ट में सीटीडी और रेंजर्स का छापा। मुकाबले में 8 दहशतगर्द मारे गए। 1 सीटीडी और 2 रेंजर्स एहलकार जख्मी। असला और बारूद बरामद। मिट्टी में गजाई किल्लत और वबाई अमराज से माओ की गोदे उजड़ने का सिलसिला जारी। आज भी 3 बच्चे दम तोड़ गए। रवामा हलाकतों की तादाद 24 हो गई। आज न्यूज ने मामला उठाया तो आम को रिलीफ मिल गया। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल रायवन में डॉक्टर्स और अमले ने ड्यूटी संभाल ली। अस्पताल में पहली बार रात में सी सेक्शन ऑपरेशन से बच्चे की पैदाइश। वालदैन आज न्यूज के शुक्रगुजार। सिंध में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट। NED यूनिवर्सिटी कराची में टेस्ट देने वालों का रश। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक मुतासर। लाड़काना में बद इंतजामी। 300 से ज्यादा उम्मीदवारों को टेस्ट देने के लिए टेबल्स ही फराहम नहीं की गई। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार का शहरी पर तशद्दुद। बाइक टकराने पर एहलकार ने शहरी पर थप्पड़ बरसा दिए। ASI अली जाहिद और कांस्टेबल अजीज मुअत्तल। फैसलाबाद में पुलिस एहलकार ने 2 गोलियां लगने के बाद भी डाकू का पीछा न छोड़ा। कांस्टेबल की जवाबी फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। मुकाबले की फुटेज आज न्यूज को मौसूल। सवात की तहसील ब्रिकोट में बुद्धमत दौर के अजीम शाहकार। 1800 बरस कदीम स्टोपा और कॉम्प्लेक्स देखने वाले कारीगरों की महारत की बेसाख्ता दाद देने पर मजबूर हो जाते हैं। हुकूमत अगर थोड़ी सी तवज्जो दे तो सयाहों का तांता बन सकता है। अदीम रिवायात में इसका जिक्र मिलता है। इलम पहाड़ का ये इसके दामन में ये स्टूपा बना हुआ है। यहाँ बहुत इसके फायदे ये होंगे कि अगर यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे बुद्ध मत के पैरोकार आते हैं तो यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगी। लाहौर में अब होगा डिजिटल चालान। ट्रैफिक वार्डन्स को जदीद डिवाइसेस पर हाम कर दी गए। चालान के वक्त होने वाली गुफ्तगू भी रिकॉर्ड होगी। आवाम ने भी हुकूमती इकदाम को खुश आइन करार दे दिया। मुख्तार इलाके कातालोनिया में आजादी के हक में 4.5 लाख अफराद का मार्च। कातालोनिया के सदर कहते हैं मैड्रिड की खित्ते पर बराह रास्त हुक्मरानी कबूल नहीं। बराह रास्त हुक्मरानी का मंसूबा जनरल फ्रेंको की आवरियत के बाहर कातालोनिया के इदारों पर बदतरीन हमला है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाब अपनी सलाहियतों के बल पर जीता, मगर मुल्क में ट्रंप के मुखालफीन उनके मंसूबों की तकमील की राह में रुकावट है। मॉस्को वॉशिंगटन से हर वक्त तआवुन के लिए तैयार है।